शुक्रिया। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, हम मना रहे हैं सुबह सवेरे की पहली वर्षगांठ और इस मौके पर हमारे साथ हैं केंद्रीय संचार मंत्री रामविलास पासवान। पासवान जी से हम राजनीतिक चर्चा तो करेंगे ही, लेकिन इसके पहले वे हमारे ब्यूरो का उद्घाटन करेंगे। पासवान जी, दोबारा करना पड़ेगा सबको, काट लेंगे। इसका सबसे बढ़िया होता है ना, वो कैंडल होता है। इसको तो रहने दीजिए। हाँ, हाँ, जला दी, बस हो गया। एक्शन हो गया। खड़े हो जाइए। मुझे खुशी है कि सुबह सवेरे के इस वर्षगांठ के अवसर पर आने का मौका मिला। मैं अपनी ओर से सुबह सवेरे के सारे टीम और विशेषकर भाई मुकेश जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये सालाना अपना कार्यक्रम को पूरे देश की जनता के हक में और हर क्षेत्र में, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो कला का क्षेत्र हो या राजनीति का क्षेत्र हो या खेल का क्षेत्र हो या संस्कृति का क्षेत्र हो, जिस तरीके से आपने लोगों के मन में एक नया उत्साह पैदा किया है और नए नए विषयों को लाकर के लोगों के सामने में रखने का काम किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई है। और मेरी शुभकामना है कि ये कार्यक्रम इसी तरीके से चलता रहे और आप लोगों को नई नई खबरें, नया नया, नए नए चीज़ आप लोगों के सामने में आते रहेंगे। मैं चूँकि दशहरा का समय है, दीपावली आने वाला है, इसलिए इस दशहरा के अवसर पर भी तमाम दर्शकों और देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद पासवान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। Death is rolling. Silence. पासवान जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि एक ऐसा मंत्रालय जो काफ़ी अरसे से विवाद से घिरा रहा है, पंडित सुखराम से लेकर जगमोहन जी तक, उसको संभालने में आपको कोई हिचकिचाहट हुई? आपको जब ये मंत्रालय दिया गया तो क्या आपको थोड़ा संकोच हुआ, थोड़ा सा डर लगा? कुछ नहीं। देखिए, मंत्रालय में आपको सबसे बड़ी बात है कि अपने ऊपर में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मंत्रालय कोई छोटा नहीं होता है, कोई बड़ा नहीं होता है, और कोई महत्वपूर्ण भी नहीं होता है, और कोई ऐसा भी नहीं है कि महत्वपूर्ण नहीं है। ये निर्भर करता है कि आप काम में कितनी अभी रुचि लेते हैं और कितनी पारदर्शिता आप लोगों के बीच में रखने का काम करते हैं। तो इसलिए बताइए कि अब जबकि आपने मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है, तो एक संचार मंत्री की हैसियत से आपकी प्राथमिकताएँ क्या होंगी? देखिए, हमारी प्राथमिकताएँ, सबसे पहला तो हमारा है कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, कि हम चाहेंगे कि जो भी सेवा हम लोगों को देते हैं तो वो तो एक अधिक से अधिक लोगों के बीच में ये सेवा जाए। और इसलिए हमने अपनी प्राथमिकता रखी है कि 2002 ईस्वी तक
हम हर गांव को हम जोड़ेंगे टेलीफोन की व्यवस्था से, और दूसरा इंटरनेट से भी हम गांव को जोड़ने का काम करेंगे। तीसरा, जो डाकखाना की हालत ख़राब है, अभी भी गांव में ईडी चलते हैं, किसी के घर पर डाकखाना चलता है, वहाँ शिकायतें आती है कि गरीब लोग जब पैसा भेजते हैं तो पैसा उनके पास में मिल नहीं पाता है। तो ये सारी जो शिकायतें हैं उनको कैसे मॉडर्नाइज किया जाए, और अभी भी हर गांव में पोस्ट ऑफिस नहीं है, लेकिन पोस्ट ऑफिस हो या नहीं हो लेकिन डाक व्यवस्था हर गांव में सुदृढ़ किया जाए, तो हम इसको देखेंगे कि गांव में हर गांव में इस तरह का डाक और टेलीफोन की व्यवस्था की जाए। पासवान जी, कहा जाता है ये संचार क्रांति का युग है, और इसमें अगर हमें सही मायनों में संचार के फ़ायदे उठाने हैं, इसमें प्रगति करनी है, तो विदेशी पूंजी की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि विदेशी पूंजी के जो दबाव हमारे ऊपर रहे हैं और जिस तरह के नतीजे निकल रहे हैं, उसमें हम आकर्षित कर पाएंगे? नहीं, देखिए, इसको संतुलन बनाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने कहा कि गांव के लोगों की आवश्यकताएं हैं टेलीफोन की या डाक की, ये आवश्यक आवश्यकताएं हैं, ये कोई लग्जरी का साधन नहीं है। तो जहां हम गांव में उस सुविधा को पहुंचाना चाहते हैं, वहीं शहर में लोगों को हम वर्ल्ड क्लास का हम फैसिलिटी देना चाहते हैं कि उनको एक से एक जो वर्ल्ड में किसी भी कोने में जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको हम सुविधा प्रदान करने का काम करें। अब उसमें हमको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। एक तरफ में जहाँ हमारा अपना इंडस्ट्रीज है, हमारा अपना मंत्रालय है, हमारा अपना DOT है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीफोन है, हम नहीं चाहेंगे कि किसी तरीके से उसके ऊपर में कोई आघात पहुँचे। वहीं दूसरी तरफ जब हमको बेस्ट टेक्नोलॉजी लेना है तो जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उसमें मल्टीनेशनल्स भी आते हैं, तो उनके प्रति हमारा नकारात्मक रवैया नहीं रहेगा, हमारा सकारात्मक रवैया रहेगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि हमारा तीन उद्देश्य रहेगा, एक नेशनल इंटरेस्ट रहेगा, एक कंज्यूमर का इंटरेस्ट रहेगा, एक रूरल एरिया का इंटरेस्ट रहेगा, और दूसरा हमारा डिपार्टमेंट का इंटरेस्ट रहेगा। और हम इन चारों चीज़ों के ऊपर में हम अध्ययन कर रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि एक दूसरे में कंपटीशन तो हो लेकिन एक दूसरे के सपोर्टर्स हों, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री बनने का काम करें। पासवान जी, जब पिछली बार आप रेल मंत्री थे तो कहा कई तरह से इसका लोग को वो करते थे, आपको हाजीपुर का रेल मंत्री बोलते थे, कोई बिहार के रेल मंत्री बोलते थे। संचार मंत्री हैं आप, हाजीपुर के संचार मंत्री हैं, बिहार के या पूरे देश के? नहीं, हम पूरे देश के रेल मंत्री भी जब थे तो हमने पूरे देश में काम किया, जम्मू से कश्मीर तक रेलवे लाइन का यदि किसी को चले जाएगा। सबसे ज़्यादा सुविधाएँ तो बिहार नहीं, बिहार नेग्लेक्टेड है। आज भी जी आप देखेंगे तो संचार के मामले में भी बिहार सबसे पिछड़ा हुआ है, टेलीफोन के मामले में भी सबसे पिछड़ा हुआ है। तो इसलिए जो पिछड़ा हुआ इलाका है, नॉर्थ ईस्ट है हमारा, तो रेलवे मंत्री की हैसियत से भी हमने नॉर्थ ईस्ट में काम किया, जम्मू कश्मीर में काम किया। हम संचार मंत्री की हैसियत से भी जहाँ जो हमारा शहरी इलाका है, जो मेट्रो सिटीज हैं, वहाँ हम वर्ल्ड क्लास का फैसिलिटी देंगे। वहीं जो पिछड़ा हुआ इलाका है जिसमें बिहार भी सम्मिलित है, उसमें बिना किसी हिचकिचाहट के हम वहाँ प्रोग्रेस करने का काम करेंगे। चाहे इसके लिए बदनामी आती है तो बदनामी, हाँ, हमको इस बात का बदनामी नहीं आना चाहिए कि रामविलास पासवान ने कोई करप्शन किया या रामविलास पासवान ने गलत ढंग से पैसा कमाने का काम किया, बल्कि विकास के नाम पर चाहे बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो। दूसरे क्षेत्रों की उपेक्षा होगी इससे तो नहीं, किसी क्षेत्र की हम कोशिश, हमारा सबसे बड़ा जो हमारा चैलेंज हमारे सामने में है कि हम किसी क्षेत्र की उपेक्षा हमारे द्वारा नहीं हो और कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन हो। मतलब दूसरे क्षेत्रों की कीमत पर बिहार को आप सुविधा ज्यादा नहीं देंगे? नहीं, देखिए, हमने जब कहा है कि 2002 में हर गांव में हम टेलीफोन लगाएंगे तो फिर दूसरा क्षेत्र की उपेक्षा कहाँ रहती है। हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे हमने कल रिव्यू किया, हमको मालूम हुआ कि अभी 45,000 गांव में लाइन लगने थे या 45,000 गांव को टारगेट में रखना था, अभी 7 महीने पार हो गए हैं, केवल 3,000 गांव में लगे हैं। तो जब हम एक टारगेट बांध करके चल रहे हैं कि हमको इतने दिन एक साल के अंदर में 45,000 करना है, दूसरे साल में हमको ज़्यादा करना है, तो फिर कोई ऐसा क्षेत्र नहीं रहेगा जिस क्षेत्र के लोगों को शिकायत रहेगी कि हमारी अपेक्षा हुई है। पासवान जी, अब संचार से राजनीति का रुख करते हैं, बिहार में ही रहते हैं, लेकिन ये बताइए कि बिहार में आपको इतनी शानदार विजय हासिल हुई है, इसके बाद बिहार सरकार के का भविष्य क्या है? क्या उसकी बर्खास्ती के लिए आपका अभियान पहले जैसा चलता रहेगा या वहाँ तोड़ फोड़ कुछ होगी? देखिए, बिहार सरकार का भविष्य तो बिल्कुल अंधकार है। 2001 ईस्वी में बिहार सरकार के भाग में जो अभी वर्तमान सरकार चुनाव के पहले मेरे तरफ से या सरकार के तरफ, भारत सरकार की तरफ से कोई ऐसा सरकार को गिराने का पहल नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से वहाँ आंधी तूफान उठा हुआ है, भगदड़ मचा हुआ है, रोज़ हम लोगों के पास में जिस तरीके से टेलीफोन आ रहे हैं, खबर आ रहे हैं कि किसी भी दिन ये सरकार अपनी मौत मर सकती है।
लेकिन आपकी तरफ से आपकी हमारी तरफ से कोई ऐसा काम नहीं होगा, किसी तरह का ऐसा काम नहीं होगा कि सरकार हमारे तरफ से ना पहले हुआ है एनडीए की गवर्नमेंट की तरफ से, ना अभी हमारे तरफ से कोई पहल होगा कि हम कोई 356 धारा लागू करें या हम सरकार को गलत ढंग से गिराने का काम करें। हमारे तरफ से प्रयास नहीं होगा, लेकिन जो जनादेश आया है उस जनादेश में कोई सरकार मर्यादित सरकार रहती तो स्वयं उसको जनादेश का पालन करना चाहिए था, नहीं कर रही है जनादेश का पालन, तो ये सरकार अपनी नेचुरल डेथ जो कहते हैं स्वाभाविक मौत मरेगी। पासवान जी, आप संचार मंत्री के रूप में सफल हों हमारी शुभकामनाएं। आप सुबह सवेरे की वर्षगांठ के मौके पर हमारे स्टूडियो में पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपको भी मुकेश जी, जिस तरीके से आपने एक साल तक जो राजनीतिक जो हमारा कार्यक्रम रहा है और उसमें जिस तरीके से आपने इसको हर सामयिक रूप में प्रस्तुत करने का काम किया है, मैं भी इस वर्षगांठ के अवसर पर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि यह कार्यक्रम इसी तरीके से आगे फलता फूलता रहेगा। शुक्रिया। ये थे केंद्रीय संचार, कुछ गड़बड़ सॉरी फिर से चले ये थे केंद्रीय संचार मंत्री रामविलास पासवान। थोड़ी देर में हमारे स्टूडियो में पधारेंगी कांग्रेस की सॉरी फिर से लेते हैं शुक्रिया। ये थे केंद्रीय संचार मंत्री रामविलास पासवान।